अबू आपने ट्रेन्स में बहुत ज्यादा सफर किया हुआ है, मेरे से तो बहुत ही ज्यादा किया हुआ है। टिकट लेते थे? नहीं टिकट लेते नहीं थे अबू, जाहिर बात है गाँव जाना इधर उधर जाना अबू सफर करते थे, और कई दफा अबू ने सरकारी तौर के ऊपर भी सफर किया। अच्छा, तो अब आपने ट्रेन्स के और स्टेशन में खाने भी खाए होंगे, बड़े बड़े खाए ना, तो मजेदार होते थे जायके में खाने, ऐसे चल सो चल वाला हिसाब होता था यार। जब भूख होती है ना बंदे को तो मैं वैसे तो बस इंतजार ही होता था, स्टेशन भी दो दो घंटे तीन तीन घंटे के बाद आता था, तो भूख जो होती है ना जो जैसा भी हो बड़े मजे के लगते थे वैसे सुनने अच्छा में चले। वैसे आज ना मैं आपको कोलकाता के किसी रेलवे स्टेशन का ना एक बड़ा ही जबरदस्त अंडे से कुछ बनने वाला है जिसको कहते हैं गुगनी। गुगनी एक बात है, नाम बड़े जबरदस्त तो यकीन माने गुगली लुची लफंगी लुची गुगनी तो पते नहीं तो क्या क्या जबरदस्त। ये एक गुगनी है, अंडों की गुगनी बनती है। अब ये कैसे बनती है ये नहीं पता है, और ये रेलवे स्टेशन पे है, देखते हैं कैसे बनती है। बहरहाल उससे पहले मेरा नाम है वकास। मेरा नाम है मोहम्मद सदीक अवान। और मैं हूं मिसेस वकास। तो हम लेकर हाजिर हुए आप लोगों के लिए एक और बहुत ही जबरदस्त सी वीडियो, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसके अलावा जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका लिंक हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तो आज जो वीडियो है उसका टाइटल है कोलकाता फेमस एग गुगनी एट रेलवे स्टेशन। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो और देखते हैं ये के अंडे की गुगनी क्या है और कैसे बनती है। पता नहीं क्या सिलाद कुछ ऐसे करके रेलवे पहले कटने जा रही है प्याज। स्पीड चेक करो, ट्रेन बंदा है भाई। अच्छा ये खीरा था जो कि मैं आलू के रही थी। जी 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 सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे। मतलब काटे का तरीका तो देखो, नजाकत के साथ भी काटे तो इस तरह सीधे नहीं काटते, मोटा और पतला काटते। सही बात है, ये एक्सपीरियंस है बंदे को। धनिया देखो कैसे भरा पड़ा हुआ है। आपको पता धनिया और पुदीना हरी मिर्च ये तो धनिया को देख के ना दिल करता है कि बहुत सारा सालन में धनिया पड़ जाए तो सालन का मजा ही दोबारा। सही बात है, धनिया की खुशबू आता हूँ। ये माल तैयार कर रहे हैं ना जो बनाएंगे अंडे की गुगनी। अंडे की गुगनी 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 तेरी मैं खावा जुगनी, तेरी मैं खावा गुगनी। अच्छा माल देखो थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा है, ज्यादा नहीं तैयार हो रहा है, ताजा 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 है। ये आया छोलों का कुछ
चिकड़ छोले, जैसे वो चिकड़ छोले, हाँ वो काठियावाड़ी छोले भी जिस तरह होते हैं ना उस तरह से। ये देखने में ऐसा लग रहा है कितने गले हुए छोले हैं, देखने में क्या है गले, मतलब एक देखो देखने में ही पता लग रहा है कि बहुत ज्यादा गले हैं, खाने को बिल्कुल नरम है। और गले हुए छोले हो तो फिर मजा ही होगा इनको देख के, वाकई थोड़ा सा वो हो रहा है भूख का एहसास है। मुझे तो रेलवे स्टेशन इतने पसंद है। यकीन माने खीरा मुझे इतना पसंद है जो कि मैं खा नहीं सकता, मुझे हजम नहीं होता और मुझे पसंद बहुत ज्यादा है। धनिया और मिर्चें मसाला है, तो शायद चाट मसाला है, चाट मसाला है, गरम मसाले पड़ते हैं। ये भी इनका अपना बनवाया वही होगा कोई खास मसाला, ये शायद नमक, ये नमक। अबू ने मुंह साफ करना शुरू कर दिया क्योंकि अबू ने ढीले हो गए। ये खटाई है, इमली का पानी होगा, कोई खटाई हो गई ना। ओ हो विकास, कितने टाइम से बोल रही चाट खिला दो, तुम जब कुछ बना के नहीं खिला रही तो भाई मुझे अच्छा बदला है। ठीक है सेव, हाँ स्टेशन के टीवी भी चल रहे हैं वहाँ। अब मैंने ट्रेन का सफ़र करना और वहाँ के खाने खाने मैं तैयार हो गया। अच्छा ये अंडा अंडा भी पड़ेगा, यही देख रहा है अंडा किस तरह से पड़े, क्योंकि नाम इसका है एग घुगनी। अंडे छिलके से प्यार दे रहे हम लोगों को, कई दफा लड़ना पड़ता है। हाँ भाई अंडे वो उबालने का तरीका याद तो हमें है नहीं, टाइम छिलके तो जर्दी समेत उखड़ता है छिलके, वो अंडे की देखो चिकने चिकने से अंडे पूरे पूरे तरीका होता है उबालने का। हम वही बोल रहे हैं ना, एक अंडा ही 30 रुपए का है। अच्छा स्टेशनों पे उबला 40 का है, पक्का पक्का 40 का बेचते हैं। वो रेल भी आ गई। अच्छा अबू को ध्यान रेल की तरफ है, बिकॉज अंडे की गुगनी वाव। बोलने वाली काली मिर्चे वगैरह, अच्छी काली मिर्चे बकास ये काली सारा नहीं है फिर से। यहाँ पे कंप्लीट, और यार क्या लुक आया इसका मजाक से बहुत मजे का। और ये सुबह के टाइम आई थिंक मिलती होगी ना वहाँ पे, पूरा दिन चलता होगा स्टेशन जो भी है सुबह के टाइम। अच्छा, पे भूख की तलब हो, ऊपर से ये अंडे की घुगनी जो नाम इतना जबरदस्त रखा हुआ है और ये मिल जाए तो बात ये है कि ये इनकी ना जो टाइमिंग है ना
ये रेलगाड़ी के आने और जाने पे ही धंधा है, बाकी अगर ये दोनों जारी बात है ट्रैफिक होता ही उसी टाइम पे रेलवे स्टेशन तो पे। ये इसीलिए फिर वो बना के उन्होंने तैयार करके, उनको पता होता है गाड़ी ने फला टाइम आना है तो उससे पहले ये प्लेटें तैयार करके रख देते हैं। यार फिर वही बोलूंगी, फिर वकास शुरू हो जाएगी। बोलो 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 बोलो। मतलब कि अब ये रेसिपी तो बहुत ईजी थी, ये तो मैंने आज के आज इंशाल्लाह ट्राई करनी, अंडे की घुगनी। अच्छा, एक बात है ये जैसे नाम रखा हुआ था ना अंडे की घुगनी, ये अंडा तो ऊपर से अलग से रखा हुआ था, बस एक वो नाम अंडे का दिया। अच्छा, असल में ये आइटम अंडे की घुगनी नहीं है, नाम ऐसे समझे नहीं है, अंडा ऐसे ही ऊपर रखा हुआ था। तो ऐसा तो तू भी जमीन पे ऐसे ही रखा हुआ, काम काज तो कुछ भी नहीं है। वीडियो मेरी वीडियो बनाने के काम क्या है? जिस तरह तेरा भी कोई मकसद है ऊपर रखा हुआ है जो जमीन पे, तो इसका अंडे का अब ये क्या होगा खाने वाला? अब हमें खाते हुए नहीं दिखाया, खाते हुए दिखाता सब क्लियर हो जाए। अब वो चम्मच लेगा उस अंडे को, पीसेगा छोलों में, मिक्स करेगा, फिर बनेगा घुगनी। और जिसने खाई अंडे की वो हो गया क्या जुगनी नहीं, नाम क्या है इसका? अंडे की घुगनी। हाँ, जो खाएगा अंडे की घुगनी जिंदगी होगी दुगनी। लेकिन अबू बात यह है कि जब वो उस पे प्याज काटी उसने और जो खीरा काटा, उससे लग नहीं रहा था कि ये बनने क्या वाला है। ये तो छोले देख के, मतलब वरना मैं तो ये समझ रहा था कि यार ये अंडे की, ये जिस तरह कोई शायद कोई फ्राई वगैरह करेंगे अंडा या और इस किस्म का कोई आइटम बनने वाला होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही कुछ अलग निकला। लेकिन आखिर की जो प्रेजेंटेशन थी उसकी, जब वो प्लेट में रख के उसने आखिरी शूट लिया, यार को अलग ही था, सेव डली हुई अंडा। वैसे एक बात है, मतलब कि वहाँ के जो छोलों के साथ, अलग अलग चीज़ें ऐड कर देना, कभी अंडे के साथ तो कभी वेजिटेबल्स के साथ, वो एक लुक चेंज कर देते ना छोलों, टेस्ट वगैरह लुक। और यहाँ पर सिर्फ एक ही चाट छोला, मतलब कि चने की चाट और छोले होते हैं, वहाँ छोलों के साथ कितने सारे आइटम ऐड कर देते हैं यार के बंदे का। आपने कभी टेस्ट किया होगा घर में, ये घुगनी मुगनी तो नहीं बनती, कभी कभी आप बनाते अंडा छोले, अंडा छोला सादे छोले के साथ खाओ तो कोई और जायका होता है रोटी का, अंडे के साथ। जब अंडे को फेंट के उसके अंदर वो चूरा करके ऐसे, जब वो जर्दी उसके साथ मिक्स होती है, ग्रेवी का कलर चेंज हो जाता है, तो क्या वो ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है, तो थोड़ा गरम मसाला डलाओ, थोड़ा धनिया डलाओ, अंडा चना, फिर वो क्या दुगना मजा। मुझे तो लगता है कि हम आए हाय हाय करते हैं, ये ना नाम ले ले के। अच्छा, अभी मुझे कर करके हम आपको कुछ टाइम के बाद यहाँ ऐसे दिखेंगे। खाओ, मैं तो जब से ये वीडियो देख रहा हूँ कुछ अपनी सेहत में बेहतरी महसूस कर रहा हूँ। उसी टॉपिक पे आने वाली थी कि हमें ये रेसिपी खाने को मिले या ना मिले, इसको महसूस करके हम अपनी सेहत को बहुत जल्द करेंगे। अब्बू असल में ना एलियन है, वो आमिर खान की मूवी आई थी ना पीके, उसके अंदर जैसे वो हाथ पकड़ता है लैंग्वेज जो है वो सीख लेता है, इसके अलावा तो अब्बू भी जो है ना यहाँ देखते हैं, देख देख के अब्बू का मजा ले रहे हैं। हम देख यार रहे होते हैं और हमारी रूह निकल कोलकाता पहुंची हुई होती है, वो इगनी बिगनी खा रही होती है और अब्बू कह रहे मेरी सेहत बेहतर होनी चाहिए, बेहतर सेहत। आप बताएं, सिर्फ वीडियो देख के बेहतर होनी, जब खाने को मिलेगा फिर तो कहाँ सुखा जाएंगे, फिर तो ऐसे थोड़ी मैं बैठाऊंगा जैसे दो बंदों के बीच में मुर्गा बैठा हुआ है। अबे फिर तो मैं ऐसा बैठूंगा, तुम लोग ऐसे देखे ऐसे बैठूंगा। तो अभी तो मैं बस इन्होंने मुझे एक तरफ से दबाया, वो एक तरफ से दबाया। ये अब्बू हमें अच्छा मजे की बात है, अच्छा लगता है कि वीडियो लंबी ना हो जाए तो फिर ऐसे ऐसे भी करते रहते। हेलो भाई, अब वीडियो को हम यहाँ पे एंड कर ही देते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ, खुदा हाफिज़।